लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मुकेश नायक के बयान पर कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह का बचाव किया है। गोविंद सिंह ने आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्हें दल बदलू करार दिया है। मुकेश नायक जैसे नेता कांग्रेस पार्टी की छवि को कमजोर और खराब कर रहे हैं। उनकी जो भी समस्या थी, किंतु उन्हें सार्वजनिक तौर पर इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए थी। आज मीडिया से चर्चा के दौरान गोविंद सिंह ने कहा कि पार्टी में रहकर नायक पार्टी के नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र की राजनीति कर रहे हैं। मुकेश नायक का चरित्र हमेशा ही दल बदलू वाला रहा है। नायक एक अवसरवादी राजनीतिज्ञ है। अगर वह खुद को इतना ही सबसे समझते हैं तो उत्तर प्रदेश जैसे इलाके जहां पर कांग्रेस की स्थिति बेहद खस्ता है, वहां जाकर कांग्रेस को ऊपर उठाने का कार्य करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बारे में मैं कोई बात नहीं करूंगा। सुनवाई का सुप्रीम कोर्ट जो अपना निर्णय देगा, उस निर्णय को कांग्रेस पार्टी सहन। अभिषेक मनु सिंह जी ने कहा है कि कोर्ट स्पीकर के मामले में दखल ना दे। जी, अभिषेक मनु जी से पूछो, स्पीकर से पूछो, हमारा मुद्दा नहीं है। मैं उसको बोलना नहीं चाहता। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कांग्रेस पर हमला किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश हम आज जिला पुलिस को देंगे। और अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बिना अपराध के उनको फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं तो उसकी जांच कराकर दोषियों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है सर, इस तरीके से डंडे चलाना, ये क्या? अब भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, उनको ट्रेनिंग इस प्रकार की दी जाती है कि डंडे लाएं, आतंक फैलाएं, देश को विघटन कराएं, मारपीट कराएं, अपहरण कराएं। जैसा कि आगे हमारे मध्य प्रदेश के विधायक को अपहरण करके कैद कर रखा है, उनके परिवार के लोग नहीं मिल पा रहे। उनके पिताजी अगर लड़के के पुत्र से मिलने जाते तो उनको भगा दिया जाता है। मोदी के राज में पूरे हिंदुस्तान में आतंक का वातावरण बन गया है, प्रजातंत्र खतरे में है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर इसी प्रकार बनी रही तो इस देश में प्रजातंत्र नाम की कोई संस्था बचेगी नहीं। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।